नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर शहर में हत्या के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन हत्या के मामले सामने नजर आ रहे हैं। आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कामठी शहर मामले से उभरा नहीं था कि पाशपावली थाना अंतर्गत हत्या का मामला सामने आया है। नागपुर नगरी में जनता अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। चोरी, हत्या, डकैती जैसे मामलों से नागपुर की जनता त्रस्त हो चुकी है। नागपुर में अब अपराधी बड़ी ही सरलता से अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। बीते बुधवार को रिटायर्ड आर्मी अधिकारी के घर डकैती का मामला सामने आया था, जिससे शहर अभी उभरा ही नहीं कि गुरुवार को पाचपावली थाना अंतर्गत कमाल चौक में हत्या का मामला उजागर हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी के मामले को लेकर हत्या हुई है। मृतक का नाम महेश दुर्गा प्रसाद तिवारी और गुड्डू है। इस घटना में दो आरोपियों के लुप्त होने की जानकारी मिली है, जिनका नाम पिंटू किलेदार और विवेक गोड़बोले बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के सिर पर बियर की बोतल फोड़कर मारा गया। गृह मंत्री अनिल देशमुख और पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, इन्होंने जनता को भरोसा दिया था कि प्रॉपर्टी विभाग पर और भू माफिया पर पुलिस की नजर रहेगी। इसके बावजूद भी इस घटना को अंजाम दिया गया। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।